कालाडूंगी विधानसभा में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन बेल पड़ाव क्षेत्र से कालाडूंगी तहसील तक ट्रैक्टर रैली निकालकर कालाडूंगी एसडीएम को ज्ञापन भेजा है। वहीं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रोतेला ने बताया कि प्रधानमंत्री के किसान आंदोलन के समय दिए गए आश्वासन पूरे न होने के कारण कालाडूंगी एसडीएम को ज्ञापन भेजा गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे व दिल्ली की तरफ इस रैली को लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि सरकार द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासन व मांगे जल्द पूरी की जाएं। कालाडूंगी से मुकेश चिमवाल की रिपोर्ट। किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें सरकार को ये बताया गया है कि अभी जो हमारे किसान हैं, जो पहले भी किसान आंदोलन करके पीले कालों का तीनों काले कानून वापस करवाए थे, पर उस समय सरकार द्वारा किसानों से कहा गया था कि आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी पर गारंटी और अन्य किसानों की जो मांगे थी वो पूरी करी जाएंगी, जो कि सरकार ने अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो किसानों का ये कहना है कि ये हमारे जो ट्रैक्टर हैं ये ट्रैक्टर नहीं है, टैंक हैं किसानों के। ये अब इन किसानों के ट्रैक्टर टैंकों में जंग नहीं लगा है, और जब अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दोबारा ये टैंक हमारे दिल्ली जाने को तैयार हैं। राष्ट्रपति के लिए महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। उसमें पहले जब हमारा आंदोलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम तुम्हारी बाकी मांगों को मानेंगे, जैसे एमएसपी वाला कानून कि वो लागू करेंगे, और भी अन्य कई मांगे थी जो कि उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी मांगों को पूरा करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपके फसलों का तय किया जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ। इसी तरह कई अन्य समस्याएं हैं।